सो हेलो गाइस, आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। आपने देख लिया होगा थंबनेल, और आप थंबनेल देखकर आए हैं, इसका मतलब आप टीएस रहमान या तो नुसी में किसी में भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, बराबर, या तो दोनों में ही भरा हुआ है। सो गाइस, मैं आपको थंबनेल जो आपने देखा इस तरह से ही मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, और क्या क्या होता है, और कितने दिनों में होता है, और कब रिजल्ट आता है, और कैसे पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। सो गाइज, यहाँ पर इंडिया के दोनों टॉप टू कॉलेज, एक साइड पे टीएस रहमान है, एक साइड पे नुसी है, बराबर। सो गाइज, ये दोनों ही बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत मस्त, मतलब कॉलेज का बात ही मत पूछो भाई, प्लेसमेंट प्लेसमेंट सब, और दोनों ही एक अपने एक अलग पहचान बनाए हुए हैं कितने सालों से। सो गाइज, इसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा रहता है, और मेहनत भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। सो गाइज, आप मेरा वीडियो देखना है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा भाई, क्लियर होके ही रहेगा, बस आपको मेरा गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और गिव अप तो करना ही मत भाई, कभी लाइफ में मत करना भाई, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सो गाइज, प्रॉपरली फॉलो करना मेरे गाइडेंस को। सो गाइज, टीएस रहमान और नुसी का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसमें आता है 10th का इंग्लिश बेसिक लेवल प्लस मैथ्स, और भाई जीके आता है। सो नॉर्मली जीके तो आता है, लेकिन आपको ये तीनों सब्जेक्ट की फुल तैयारी करनी पड़ेगी, फुल, और फुल मार्क्स लाने हैं तभी आपका हो पाएगा। सो गाइज, इन तीनों की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए अच्छा वाला, जो प्रॉपरली फॉलो करने के बाद भी आप पास कर सको एग्ज़ाम। सो गाइज, ये स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, आपको पूरा वीडियो देखना है। सो गाइज, आपको तैयारी भी ऐसे करना है, नोट्स लेना है, सब मैथ्स का सब सॉल्यूशन करना है सब, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको मैथ्स में तो पूरा तैयार रखना है भाई, क्योंकि टीएस रहमान में तो भाई मैथ्स थोड़ा नॉर्मल आता है, लेकिन उसका दो दो मार्क्स, एक एक क्वेश्चन का दो मार्क्स होता है भाई। और भाई रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के सबसे ज़्यादा मार्क्स रहता है, उस पर 50% तो इंग्लिश ही आता है, टीएस रहमान की बात करें तो, नुसी में भी ज़्यादातर इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं। सो ग्रामेटिकली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सो आपको टेंसेस बेंसेस वो सब बेसिक इंग्लिश तो आपका पक्का ही होना चाहिए। अगर आपने 10th में ज़्यादा ध्यान दिया होगा तो आप इंग्लिश आराम से क्लियर कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आपको लास्ट में स्टडी मटेरियल का बताऊँगा, उससे आप तैयारी कर लेना। जीके का तो क्या ही बताओ भाई, एक लॉलीपॉप हाथ में दे देते हैं, बस मुँह में डाल के चूसा करो भाई, मतलब जीके भाई क्या ही यार, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट्स के मेंबर का, कोई शिपिंग मिनिस्टर का भाई, कोई कैपिटल का पुट डालता है अपना जो स्टेट्स का इंडियन लेवल का, और बाकी भाई मेजर पोर्ट्स कौन है इंडिया में भाई, मतलब कुछ भी आप वो पोर्ट्स का नाम देगा वो कहाँ पर आया भाई, मतलब बहुत ही। और गाइस, एक बार तो नुसी में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैथ्स ही नहीं था भाई, मतलब मैथ्स पूछा ही नहीं था भाई, बस अपना यही जीके और अपना जो ये इंग्लिश, बस इतना पूछ के भाई एग्ज़ाम लेके इंटरव्यू भाई हो गया था उधर ही। सो गाइज, बहुत इजी रहता है भाई, अगर आप मेहनत करते हो, आप स्टडी मटेरियल से भी थोड़ा बहुत आप नोट्स बनाते हो, अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो, एक महीना है भाई आपके पास मेहनत करने के लिए, सो आप आराम से क्लियर कर सकते हो भाई, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो मार्क्स भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। सो गाइज, नुसी में क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम, एक बार आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए तो आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू का मेल आएगा। सो जिसका फॉर्म सिलेक्ट होना ही पहला तो मुश्किल है भाई, क्योंकि CBSE और कुछ ज़्यादा मार्क्स वाले को, मतलब इस टाइप से ये वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, सो बहुत ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम देने का ही मौका नहीं मिलता भाई, पहली बात तो नुसी में ये रहता है। सो आपका अगर फॉर्म सिलेक्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, 50% सिलेक्शन तो आपका वहीं हो गया, तो आपका आपको वो 10-12 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए और एग्ज़ाम दोनों एक साथ ही वो लेंगे, मतलब पहले एग्ज़ाम लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल और सब उधर ही होगा। सो यही बात है भाई, नुसी में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन टीएस रहमान में प्रोसीजर ये रहता है कि आपका जो फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो आपका 15 मार्च है, तो 15 मार्च के बाद आपका 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, उसके 10 दिन के अंदर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका भी 90+95+ जो भी मेरिट जा रहा है उस पर आपका नाम आएगा, तो आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का। तो यही भाई, जब आपका इंटरव्यू होगा उसको 10 दिन पहले ही आपको मेल आ जाएगा, यानी कि आपको 10 दिन बाद इंटरव्यू देना है, कैंपस में जाके फिजिकल सब देना है, सो आपको टाइम मिलेगा उधर जाने के लिए मुंबई कैंपस में। सो एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन होगा और इंटरव्यू मेडिकल
फिजिकल टेस्ट वो सब आपका वहाँ पर कैंपस में होगा और एक ही दिन में हो जाता है ज़्यादातर जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं। सो टी एस रेमन का भी यही रहता है भाई, ज़्यादातर अप्रैल तक तो सब हो जाता है, और फिर भी देख लो अगर अप्रैल में तो सब का सिलेक्शन का मेल आ जाता है, फिर भी वेटिंग लिस्ट के लिए भी थोड़ा बहुत रखते वो लोग। सो यही है दोनों का प्रोसीजर, टी एस रेमन और उसी का पूरा एग्ज़ाम तक का सिलेक्शन तक। सो गाइज आ जाती है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, स्टडी मटेरियल की। सो गाइज स्टडी मटेरियल के लिए आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ईमेल भी कर सकते हो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों डाल दूंगा। सो देखो आप, तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम अपना ओपन कीजिए और इससे नीचे वो सर्च आइकन पे आप क्लिक करिए, नीचे जो दिया हुआ है, फिर आप सर्च ऊपर सर्च पे क्लिक करिए और इसमें सर्च करना है आपको ड्रीम जॉब नेवी, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। सो यही आप सर्च करोगे तो ये पहले वाला जो है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो और गाइस फॉलो भी कर लेना, और उस पर मैं डिटेल डालता रहता हूँ, ज़्यादातर स्टडी मटेरियल की कुछ भी अपडेट आता है तो मैं डालता रहता हूँ उधर ही। सो गाइस आप इसमें से मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, और जीके इंग्लिश मैथ सब मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, और लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी मैं उसमें डाला हुआ हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो, और बाकी सब तो मैं अपने देखो चैनल पे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ हूँ, जो अपना मैं खुद एग्ज़ाम दिया था लाइव, खुद लाइव इंटरव्यू दिया था टी एस रहमान में, वो सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ, आप नीचे स्क्रॉल करके या तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और गाइज पूरा एडमिशन तक अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम आता है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, और गाइज मैं सबको गाइडेंस देता हूँ, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो आराम से। सो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम दो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, तभी आपका क्लियर होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस लाइन में। सो गाइज एक बार टी एस रमन उसी में हो गया तो आपका भाई लाइफ सेट है, आपको एक ही बार फीस भरना पड़ेगा, कोई एजेंट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, और आपका अच्छे से प्लेसमेंट उधर से ही ITF कंपनी में हो जाता है भाई, यही बड़ी बात है भाई, बाकी सब भटकते रहते हैं, और मैं खुद भी भाई थोड़ा बहुत पछता रहा हूँ भाई टी एस रमन उसी में ट्राई नहीं करके, एक ही बार ट्राई किया फिर मैं किया ही नहीं गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।